आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लीजिए। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लीजिए। जरा जल्दी कीजिए क्योंकि खतरे सामने खड़े हैं। आपने 2020-21 में हालात देखे हैं, दोबारा वैसे हालात न देखने पड़े इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत कर लीजिए कि कोई भी वायरस किसी भी प्रकार का संक्रमण आपका और आपके परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, बाल भी माका ना कर सके। पिछली बार जो लाशों के ढेर हमने देखे हैं, मैं बहुत आहत हुआ हूं और इस बार यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पिछली बार भी हर प्रकार से वीडियो बना बना करके शेयर किए, हेल्थ केयर सेमिनार्स में मैंने सब कुछ बताया, उसके बावजूद बहुत सारे लोग हालांकि संभले और वो बच गए, लेकिन फिर भी जिस तरह से सारा का सारा मौत का नंगा नाच हुआ, मैं इस बार शायद वैसा नहीं देख पाऊंगा। कृपया करके मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस अपील को, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकें करें, ताकि बहुत सारे परिवार इन सारी परिस्थितियों से बच सकें, क्योंकि खतरे की घंटी बज गई है और काफी संक्रमण फैल रहा है। खासकर ऐसे लोग जो पहले से बीपी, डायबिटीज, एनीमिया, कैंसर, हृदय रोग, किडनी या चर्म रोग के शिकार हैं, जो लोग अस्थमा, दमा, खांसी, जुखाम या फेफड़ों की कमजोरी के शिकार हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका गड़बड़ हो रहा है, उन्हें तुरंत सावधान होने की जरूरत है। बहुत खतरनाक परिस्थितियां इस समय में देश की होने वाली है, हो रही है, सामने दिख रहा है और सामने 2024 में चुनाव का बिगुल अलग बजने वाला है। तो उस चुनाव के नशे में, उस चुनावी वेग में कहीं हम गड़बड़ ना कर बैठे और भीड़ में शामिल होकर के अपने आप को बीमार ना कर बैठे, संक्रमण का, किसी भी संक्रमण का शिकार ना कर बैठे। इसलिए सावधानी बरत लीजिए और पहले से वो खतरा बढ़े उसके पहले से अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, अपनी बॉडी का वैक्सीनेशन इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको और आपके परिवार को ना देखनी पड़े। बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति अपने लिए अस्पताल में एक बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सके, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर सके, तो इसलिए मतलब उन सारी गलतियों, उन सारी कमियों का शिकार दोबारा ना होना पड़े, इसलिए उनसे सबक ले लीजिए और नेचुरली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि किसी भी प्रकार का संक्रमण आपका बाल भी माका ना कर सके। उसके लिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले कुटकी और चिरायता, कुटक और चिरायता का पानी आप 3-4 दिन लगातार ले लीजिए। हर हफ्ते या 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कुटकी चिरायता जरूर 3-4 दिन के लिए ले लीजिए। कुटक और चिरायता क्या होता है मैंने कई बार समझाया है। ये देखिए, ये है कुटक, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये कुटक है। मैं इसका पाउडर नहीं चाहिए, हमें इसका पाउडर नहीं लेना है, साबुत फॉर्म में लेना है, इसको ना कूटना है, ना पीसना है, ना कुछ करना है। इसी तरह से ये है चिरायता, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कुटक और चिरायता आपकी पूरी बॉडी का वैक्सीनेशन करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का संक्रमण यदि आपके शरीर में है उसको खत्म करने वाले हैं। ये रक्त शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, खून साफ होता है, इससे पेट साफ होता है, क्योंकि किसी को कब्ज भी नहीं रहनी चाहिए और किसी का खून में किसी भी प्रकार की खराबी भी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 15 दिन में 5 दिन या 6 दिन कुटक और चिरायता पी लीजिए, हर 15 दिन में इस तरह से कर लीजिए, या महीने में 10 दिन कुटक और चिरायता का पानी पी लीजिए। कुटक और चिरायता, ये जो मैंने अभी बताया आपको, 5 ग्राम कुटक और 5 ग्राम चिरायता
एक ग्लास पानी में भिगो दीजिए। इसमें सिर्फ कांच की ग्लास काम आएगी, धातु की ग्लास काम नहीं आएगी, धातु की ग्लास में रिएक्शन होगा। ये जैसे मैंने आज सवेरे भिगोया कुटक और चिरायता, अब ये कल सवेरे खाली पेट छान करके पीना है, न इसको किसी प्रकार से मसलना है न कुछ करना है, छान करके पी लेना है और जो छना हुआ मटेरियल है वो वापस से ग्लास में डाल करके और नया पानी भर देना है। ये एक डोज दो दिन आप चला सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 दिन 10 दिन का कोई शेड्यूल बना ले और ये कुटक चिरायता का पानी ले। बहुत सारे लोग महीने में 15 दिन कुटक चिरायता दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है। कैंसर वाले, डायबिटीज वाले, अच्छा ये डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, डायबिटीज को डाउन कर देगी, कैंसर सेल्स को खत्म करेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जिनको खुजली है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये रामबाण है। तो ये सभी लोग जो मैंने अभी बीमारियां आपको गिनाई कि जिनका एनीमिया, डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, किडनी, चर्म रोग, किसी भी प्रकार का दमा, खांसी, जुकाम, फेफड़ों, ये सब प्रकार के लोग ये कुटकी चिरायता का पानी पी सकते हैं। और पी सकते हैं क्या, पीना चाहिए, मेरा निवेदन है। और ये कुटक चिरायता का पानी बहुत कड़वा होता है, इसलिए साथ में थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए ताकि ये पानी पीते ही आपका जीना घबराए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही भी पी लेता हूं, मेरे को गुड़ की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन सभी लोग नहीं ऐसा कर सकते। तो गुड़ साथ में ले लीजिए और वो गुड़ का सेवन कर लीजिए, कुटक चिरायता का पानी पीते ही थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लीजिए, इससे आपका मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस समय में सीजन की मूली आ रही है और ये मूली आएगी मार्च तक, बहुत सारी जगह तो 12 महीने मिलती है लेकिन हमें सीजन की मूली मार्च तक मिल जाएगी। तो मार्च तक मूली का सेवन, या जो लोग मूली का कंदमूल होने के कारण, जमीकंद होने के कारण मूली का सेवन नहीं करते, वे लोग मूली के पत्तों की भाजी, सरसों की भाजी, मेथी की भाजी, बथुए की भाजी, पालक की भाजी, इन सभी भाजियों का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। खास करके सरसों की भाजी, मूली के पत्तों की भाजी, मेथी की भाजी, ये बहुत, और बथुआ, ये तो बहुत रामबाण औषधियां हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके खून को साफ रखेगी, आपकी किडनियों को अच्छा रखेगी, आपके लीवर को अच्छा रखेगी, आपके शरीर में जो लंग्स में संक्रमण है उसको दूर करेगी। ये कफनाशक भाजियां हैं और इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप करिए नियमित रूप से, कोई न कोई भाजी जरूर आप काम में लीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। कुटक चिरायता का पानी पीने के बाद में मूली के जूस का सेवन भी कुछ लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ये ताजा फल के रूप में अपने यहाँ नहीं मिलती है लेकिन ड्राई फ्रूट्स में मिलती है, तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से और भी जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी लेना है, ये अखरोट और बादाम रात को भिगो दें और सवेरे उनका इस्तेमाल करें। अखरोट और बादाम को अलग अलग भिगोएं, ये ध्यान रखिएगा कि बादाम अलग भिगोनी है क्योंकि बादाम से कलर निकलता है, तो उसका छिलका वगैरह उतारने के बाद में फिर खाने में शामिल करिए। मुनक्का का पानी पीजिए, मुनक्का का पानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, मुनक्का खाइए, मुनक्का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। जो लोग ये ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वे लोग चना, मूंगफली, ये रात को भिगो करके सवेरे स्प्राउट के रूप में खा सकते हैं, तो उससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। चना, भुना हुआ चना भी खा सकते हैं और मूंगफली भीगी हुई खाना चाहिए ताकि उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसी तरह से आप सूप, मैंने एक सूप की रेसिपी का वीडियो पूरा का पूरा YouTube पर डाल रखा है। उस सूप में पालक है, टमाटर है, लौकी है और कद्दू है, ये चारों चीजें तो है, इसके साथ में ढेर सारे कड़ी पत्ते हैं, ढेर सारा पुदीना है, ढेर सारा हरा धनिया है और
अजवाइन है, अदरक है, जो लोग अदरक नहीं खाते जमीकंद के कारण वो लोग सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला करके सूप बनाएं और ये सूप नियमित रूप से पीजिए। सूप का सेवन बंद मत करिए, और रोज का रोज ताजा सूप नहीं बन पाएगा तो 3 दिन का सूप इकट्ठा बना दीजिए, और जिस दिन जितना पीना है कटोरा भर भर करके पीजिए, दूसरे दिन के लिए प्रिजर्व कर लीजिए, उसको ढक करके फ्रिज में रख लीजिए, दूसरे दिन फ्रिज में से निकाल करके उसमें थोड़ा पानी मिला करके और फिर से उबाला लेकर के और वो सूप पी लीजिए। इस तरह से आप 3 दिन का सूप इकट्ठा बना सकते हैं। और चटनी, जो मैंने चटनी की एक रेसिपी शेयर की है, मेरे वीडियोस हैं, देखिए आप चटनी का वीडियो। और चटनी में कुछ विशेष नहीं है, चटनी भी आप 4 दिन की एक साथ बना सकते हैं। चटनी में क्या है, हरा धनिया, जितनी मात्रा में आप हरा धनिया ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको कड़ी पत्ता देना है और उतनी ही मात्रा में पुदीना देना है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप सब जानते हैं, हरे धनिये की चटनी में क्या क्या डालते हैं, हरी मिर्च है या काला नमक है, ये काली मिर्च है, जो भी आप डालते हैं नींबू वगैरह, वो सब ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। और हरे धनिये की चटनी जो ये है, जिसमें 3 चीज़ें बराबर मात्रा में है, हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ते, इसका सेवन सुबह शाम भोजन के साथ में जरूर इस्तेमाल करिए। भोजन में बैंगन, भिंडी, फूलगोभी, इनका इस्तेमाल मत करिएगा। मांसाहार का सेवन अभी बंद कर दीजिएगा। मांसाहार का सेवन किसी भी प्रकार से इस संक्रमण के दौर में उपयोगी नहीं है, और इससे मांसाहार से कई प्रकार के संक्रमण दूसरे हो सकते हैं। आपका यूरिया बढ़ सकता है, किडनियां खराब हो सकती है, लीवर खराब डैमेज हो सकता है, बहुत सारे दूसरे ड्रॉबैक्स हैं उसके। तो इसलिए मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। बैंगन, भिंडी, फूलगोभी, सफेद नमक, शक्कर, इन सब का इस्तेमाल बंद करिए। कद्दू, ग्वारफली, पत्ता गोभी, लौकी, टमाटर, खीरा ककड़ी खूब आराम से खाएं, अच्छे से सलाद बना करके खा सकते हैं। गाजर आ रही है, गाजर खूब खाइए, कोई इश्यू नहीं है, गाजर का जूस निकाल करके पी लीजिए। लेकिन ये सारी चीजों से, अभी ऑरेंज भी आ रहे हैं, संतरे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, संतरों का भी सेवन करिए, ठीक है। तो ये खाने पीने में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छे से स्ट्रांग हो। गेहूं और चावल का प्रयोग कम कर दीजिए, न के बराबर। जो लोग बीमार हैं ऑलरेडी, जो कैंसर वगैरह इस तरह की किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको तो गेहूं, डायबिटीज वालों को गेहूं और चावल तो बिल्कुल सेवन करना ही नहीं है। और जिनको गठिया है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको दालें से भी बंद करनी है, केवल मूंग की दाल और मसूर की दाल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये और अब अनाज में जौ, जौ नंबर 1 है, जौ सभी अनाजों का राजा है, ये ध्यान रखिए। जौ खाने वालों का बीपी और डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनियों में प्रॉब्लम है, वो 3 चम्मच जौ रात को 1 ग्लास पानी में भिगो करके और सवेरे मसल करके छान करके वो पानी पिए। जो बचा हुआ जौ है मिक्सर में पीस करके अपनी रोटी में मिला दीजिए, रोटी के आटे में मिला दीजिए, तो उससे आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी और क्रिएटिनिन लेवल भी नीचे आ जाएगा। तो जौ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। जौ का दलिया, जौ की रोटी, मक्का, मक्की के दलिया, मक्की की रोटी, ज्वार की रोटी, ज्वार का दलिया, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। लोकल चावल यदि किसी के यहाँ पैदा होता है और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है तो वो लोकल चावल वो लोग खा सकते हैं। बाकी आपको जो जहाँ चावल पैदा नहीं होता है उन लोगों को चावल का सेवन नहीं करना है। चावल भी आपकी डायबिटीज बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में ताजा मौसमी फल का सेवन जरूर करिए। जो भी ताजा मौसमी फल आ रहे हैं, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय सबसे बढ़िया समय है। जो लोग चाय पीते हैं, चाय में 1 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ या अदरक और तुलसी पत्ते जरूर डालें, उसके बिना चाय नहीं पिए। और चाय की पत्ती बहुत ज्यादा बॉइल नहीं करें, चाय को बहुत कड़क नहीं बनाएं, वो मसाला बॉइल करें,
चाय की पत्ती नहीं बॉइल करें, चाय की पत्ती सबसे लास्ट में डाल करके हिला करके छान करके पी लें। इसी तरह से शाम का भोजन बिल्कुल हल्का हो, ये ध्यान रखिएगा। गरिष्ठ भोजन शाम के समय में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का लाइट भोजन, राबड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, या बिल्कुल दलिया वगैरह बना करके, और दलिया भी नमकीन दलिया बनाइए, लौकी टमाटर डाल करके और जौ का दलिया बनाइए और आराम से खाइए, बिल्कुल आराम से हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग जो लोग शाम का भोजन बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं वे लोग दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध में हल्दी डाल करके, दूध का सेवन हल्दी डाल करके करें। दूध का सेवन, प्लेन दूध का सेवन कभी नहीं करें, क्योंकि दूध कफ कारक होता है, कब्ज कारक होता है, और ऐसे दूध को पचाने में बहुत मुश्किल आती है, लीवर पे काफी प्रेशर आता है। यदि आप दूध में हल्दी डाल करके पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। या फिर दूध में एक मसाला आप तैयार कर लीजिए, वो मसाला एक आधा चम्मच डाल करके, और वो मतलब बॉइल होते समय ही वो दूध में डाल दें, उस मसाले के साथ बॉइल करके वो दूध पीजिए, तो आपको फायदा होगा। वो मसाला जो है, जैसे मैं बता देता हूं आपका, 30-30 ग्राम सौंठ, जावित्री, जायफल, दालचीनी ये लेना है, और 5 ग्राम इलायची लेनी है, 100 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन सबको कूट करके मिक्सर में पीस करके पाउडर बना लें, और आधा टीस्पून, हाफ टीस्पून एक ग्लास दूध में बॉईल करके, और वो दूध पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जो हमने स्वस्थ जीवन के 12 सूत्र बताए हैं, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है स्वस्थ जीवन के 12 सूत्र, उसको जरूर देखिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूं कि ताकि आप स्वस्थ रहें। आप बीमार होंगे तो मुझे दुख होगा, क्योंकि इतना सब करते हुए, इतनी सब मेहनत करते हुए भी यदि आप बीमार रहेंगे और अस्पतालों में भर्ती होंगे और कुछ भी ऊंची नीची बात होगी तो बहुत दुख पहुंचेगा। मैं चाहता हूं आप वो स्वस्थ जीवन के 12 सूत्र वाला वीडियो जरूर देखें और उसको 100% फॉलो करें। और इस वीडियो में मैंने जितने भी बातें बताई है उन सबका पूरा का पूरा पक्का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग संभल सकें और आसन्न खतरों से बच सकें। धन्यवाद।